नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। उत्तम मार्क टू आईसर रडार एक गेम चेंजर होने वाला है जिसे तेजस पार्क 2 में लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के लिए रॉयल नेवी के एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा करेगी। भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 हुआ क्रैश, बाल बाल बचा पायलट। हॉट स्प्रिंग पर नहीं बनी है बात, इस महीने होगी भारत और चीन के बीच WMCC की मीटिंग। अरुणाचल में चीन बॉर्डर के पास अब सेना ने L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की। चीन की साजिश के तहत तो नहीं हुआ, UN में भारतीय डिप्लोमेट का अचानक से माइक बंद। FATF की ग्रे लिस्ट में अब तुर्की की बारी। भारत और चीन के बीच 10 अक्टूबर को जो वरिष्ठ कमांडरों की बैठक हुई थी, जो कि 13वें दौर की मीटिंग हुई थी, हालांकि उसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन अब WMCC की मीटिंग होने वाली है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि WMCC की मीटिंग में डेपसांग, चार्डिंग नाला जंक्शन और डैम चौक में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को बहाल करने को लेकर बातचीत होगी। हालांकि PLA का रवैया अभी भी अड़ियल है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में जिस तरीके से हमने डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, जहां एक तरफ M777 को तैनात किया गया है तो K9 वज्र को भी तैनात कर दिया गया है। तो अब ऐसे में अब भारत ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 को तैनात किया है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। बताया जा रहा है कि L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन सभी तरीके के मानव रहित वाहनों, मानव रहित जंगी विमानों, हेलीकॉप्टर और आधुनिक विमानों को निशाना बना सकती है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को LAC पर 2 महीने पहले तैनात किया गया था। इसे तैनात करने के पीछे सेना का मकसद है पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा आपात स्थिति में भारतीय सेना को कोई परेशानी न हो, इसीलिए इनकी तैनाती की गई है। अरुणाचल के त्वांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने ड्रोन अटैक से निपटने के लिए L-70 को तैनात किया है। वैसे तो ये गन 60 के दशक की है, लेकिन अब इसे काफी आधुनिक बनाया गया है। ये गन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ड्रोन को टारगेट करने में माहिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मौसम में ये अपना निशाना साध सकती है। ये गन TV कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर से लैस है। सटीक निशाना लगाने के लिए मजल वेलोसिटी रडार लगा है। गन में फायर कंट्रोल रडार को इंटीग्रेटेड करने की क्षमता है, इसके चलते इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना मध्य प्रदेश की है, जहां भिंड जिले में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये विमान मिराज 2000 है। हालांकि कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। पायलट अपनी सूझबूझ के चलते सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि हमेशा की तरह दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारे साथ है कि हम लोग भले ही मिराज 2000 को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां अभी भी आ रही हैं, और यही कुछ MiG-21 बाइसन के साथ भी हो रहा है। हालांकि मिग बाइसन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि इजेक्शन सीटी खराब है उसकी, इसीलिए पायलट को इजेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख बार बार जोर दे रहे हैं कि 114 MRFA फाइटर जेट की जो डील है उसे जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि मिराज 2000 को अभी रिटायर नहीं किया जाएगा, अपग्रेडेशन इनका चल ही रहा है। कुछ समय पहले हमारे सामने रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उत्तम मार्क 2 रडार पर काम कर रही है, जिसमें कि 992 TR मॉड्यूल्स हैं। हाल ही में जो एक नया टेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार उत्तम MK2 एंटीना 1 स्वैश प्लेट रिपोजिशनर पर लगाया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एंटीना को सक्षम बनाता है, जो कि आमतौर पर एक लड़ाकू विमान पर फॉरवर्ड पोजीशन में फिक्स किया जाता है, ताकि इससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाया जा सके, और साथ ही बियॉन्ड विजुअल एंगेजमेंट में इससे बड़ा फायदा होगा। उत्तम मार्क 2 ISR एंटीना को फाइटर जेट के फॉरवर्ड पोजीशन में लगाया जाएगा, जहां से यह आसानी से लेफ्ट और राइट रोटेट हो सकता है। स्वैश प्लेट रिपोजिशनर ISR रडार को विमान की नाक की ओर इशारा किए बिना लक्ष्य पर इंगित करने की अनुमति देता है, जो कि दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल को भटकाने का काम कर सकता है। साथ ही स्वैश प्लेट पायलट को एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल शॉट लेने की अनुमति देता है, और मिसाइल दागने के बाद ये 90 डिग्री तक मुड़ जाता है। वहीं इससे पहले वाला उत्तम MK-1 रडार को तेजस MK-1A में लगाया जाएगा, लेकिन उत्तम MK-2 को, जो कि बहुत छोटा है अपने पहले वाले उत्तम MK-1 से, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें TR मॉड्यूल्स ज्यादा हैं, जो कि LCA MK-2 पर एक बेहतर खोज और ट्रैकिंग क्षमता प्रदान करेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट 2023 में आयोजित की जा सकती है, और इस समय तक उत्तम MK-2 रडार और भी ज्यादा मेच्योर यानी कि परिपक्व हो जाएगा, और इसके इम्प्रूव वर्जन को बाद में SU-30 और AMCA फाइटर जेट में लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना के सीनियर एडमिरल ग्रुप विजिट करने वाले हैं रॉयल नेवी के HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर की, और दोनों ही तरफ के ऑफिसर इस बारे में बात करेंगे
जिसमें कि रॉल्स रॉयस के द्वारा जो ऑफर दिया गया है भारत को कि भारत के दूसरे विमानवाहक पोत पर और उसे पावर देने के लिए MT-30 मैरिटाइम गैस टरबाइन इंजन को उसमें लगाया जाएगा। हालांकि ब्रिटिश कैरियर में भी यही इंजन पावर देता है। INS विशाल भी इसी डिस्प्लेसमेंट का होने वाला है, जिस डिस्प्लेसमेंट का HMS क्वीन एलिजाबेथ है और ये भी 50 से 60 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। रॉल्स रॉयस के प्रेसिडेंट इंडिया ने कहा कि वे जल्द ही अपने शोकेस में उन सारी तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे जिसकी जरूरत भारतीय नौसेना को है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो आप सबने देखा भी होगा और अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि जानबूझकर इंडियन डिप्लोमेट का माइक बंद कर दिया गया, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ बोल रही थी और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने काफी तीखे बोल बोले, जिसको देखते हुए अचानक से उनका माइक बंद हो गया। लेकिन भारतीय डिप्लोमेट रुकी नहीं और वो लगातार बोलती रही और इस पर अब भारत ने भी आपत्ति जताई है और अचानक से माइक में खराबी आना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये UN की बात है जहां हर चीज हाईटेक है और ऐसे में माइक बंद होना कहीं ना कहीं चीन को ही सवाल के घेरे में रखता है, क्योंकि चीन इस बैठक की मेजबानी कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से चाइना की दखलंदाजी होती है और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम में जो दखलंदाजी की गई है, कुछ सैटेलाइट्स हमारे फेल हुए हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना का ही हाथ है। आज तो उसने साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से UN में जहां हाईटेक उपकरण लगे होते हैं वहां पर माइक बंद करवा दिया गया। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कश्मीर मसले पर अब पाकिस्तान को अजरबैजान का साथ मिला। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि मसले को यूनाइटेड नेशंस प्रस्ताव के तहत सुलझाना चाहिए। इससे पहले कश्मीर का मसला तुर्की ने भी उठाया, फिर मलेशिया ने भी उठाया और अब अजरबैजान ने उठाना शुरू कर दिया। दोस्तों इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वे आर्मेनिया की यात्रा पर गए और उन्होंने आर्मेनिया को समर्थन दिया, तो ऐसे में मिर्ची तो लगनी थी अजरबैजान पर और उसने खुलकर कश्मीर राग गाना शुरू कर दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को मालूम है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है और कहां पर उन्हें अपने आप को मजबूत रखना है। अब तुर्की पर FATF की तलवार लटक सकती है और ये ग्रे लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि आतंकियों को वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से रोकने में ये असफल रहा है। और जहां तुर्की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब वो खुद इसमें फंसने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को भी विशेष निगरानी में रखे जाने की जरूरत है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ उन 22 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया है, जिसमें कि सूडान, यमन, अल्बानिया, मोरक्को, सीरिया आदि शामिल है। अगर तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुर्की को पाकिस्तान की तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली की हालत में तुर्की पड़ा हुआ है और ऐसे में उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी, दूसरे देश भी उसकी मदद करना बंद कर देंगे। बुरे का अंजाम बुरा होता है और तुर्की को भारी पड़ गया पाकिस्तान का समर्थन देना। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको के सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।